बाद एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। गोरक्षा के नाम पर कथित तौर पर मारपीट करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी फटकार के बमुश्किल तीन दिन बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथित गोरक्षकों ने वाहन पर भैंस ले जा रहे चार लोगों के साथ मारपीट की। बजरंग दल के नेता की अगुवाई में गोरक्षकों की भीड़ ने पुराने शहर में जिरोली गांव के नजदीक एक भैंस लादकर ले जा रहे चार लोगों को संदेहास्पद गतिविधियों के आधार पर मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि पकड़े गए लोग पशु चोर हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के तीन विधायक और समाजवादी पार्टी के एक विधायक बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी में शामिल होने वाले ये सभी विधायक मुस्लिम हैं। बीएसपी के सीनियर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बीजेपी के एक पूर्व एमएलए अवधेश वर्मा भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो तीन विधायक बीएसपी में शामिल हुए हैं उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से निलंबित किया था। केरल के अलपुझा में बुधवार को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की एक कार ने एक स्कूटर सवार को कुचल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ये स्कूटर 62 साल का एक बुजुर्ग चला रहा था। सिंधिया कोची से अलपुझा जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में शामिल गाड़ी से हुए हादसे में एक शख्स की मौत के बाद उन्हें ट्वीट कर दुर्घटना पर दुख जताया है। ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि हादसे के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, साथ ही अब पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे हैं। दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2014 का आदेश जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त को आदेश देने को बात कही है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के फैसले में हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। 14 अगस्त 2014 को आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अंतरिम आदेश था जो जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से दिया गया था। बिहार में लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। वही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। हालांकि एक भी नक्सली के पकड़े जाने की अभी तक कोई खबर नहीं है। शहीद जवान का नाम अजय मंडल है जो कि भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान घोघर घाटी में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मुठभेड़ में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच काफी देर तक फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की बात बताई जा रही है। जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने पर पर्यटन मंत्री सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर डेंजर जोन बनाए जाने चाहिए। देश में सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि इसे लेकर सावधानी बरती जाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, देश के सभी पर्यटक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोकने को लेकर कानून बनाने की पहल भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। संसद में आज कश्मीर में जारी हिंसा के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों ने कल ही कश्मीर पर चर्चा की मांग की थी, जिसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो आज चर्चा को तैयार हैं। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में शांति की अपील करते हुए कहा है कि हर भारतीय कश्मीर से प्यार करता है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सदन के भीतर बोलने की बजाय एक रैली में ये बात कही है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल के कार्यक्रम शुरू करते हुए चंद्रशेखर आजाद के गांव भाबरा में देश की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कश्मीर का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन दिए जाने पर एक कठोर विमर्श जारी किया। इसने घाटी में अशांति को बढ़ावा दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बासित को अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय में बुलाया और मुद्दे पर जोरदार विरोध दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने लश्कर के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली का विशेष तौर पर उल्लेख किया, जिसे हाल में एक मुठभेड़ के दौरान उत्तर कश्मीर से पकड़ा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाया और पाकिस्तान से लगातार चल रहे सीमा पर आतंकवाद पर सख्त विमर्श जारी किया। मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में धर्म प्रचारक जाकिर नाइक पर आतंकवाद का समर्थक होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर धन परिवर्तन कराने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वही फाउंडेशन इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस आयुक्त दत्ता पत्सलगीकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी है। ढाका हमले शामिल आतंकियों के जाकिर के भाषण से प्रभावित होने की खबर आई थी। पुलिस ने 71 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसमें कहा गया है कि जाकिर आतंकवाद और जिहाद के नाम पर हिंसा को उचित ठहराता है। उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से प्रभावित होकर कई युवक IS में शामिल हुए हैं। साथ ही जाकिर का संगठन धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर कल सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। स्लेम चेन्नई एक्सप्रेस जब सुबह स्टेशन पहुंची, तो इसके एक डिब्बे की छत पर बड़ा सा छेद था। ट्रेन के इस डिब्बे में नोट की गड्डियों से भरे करीब 200 बक्से थे, जिसे रिजर्व बैंक में जमा कराना था। जांच के बाद चला कि पश्चिम तमिलनाडु के स्लेम से चेन्नई के लिए चले इस ट्रेन में रखे करीब 340 करोड़ रुपए में 5 करोड़ गायब थे। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी M. रामा सुब्रमणि ने कहा कि हमें कुछ सुराग मिले हैं जो कि अभी जाहिर नहीं किए जा सकते। नोटों की गिनती की जा रही है, जिसके बाद ही हम पक्के तौर पर बता पाएंगे कि कुल कितने रुपए गायब हैं। संभवतः 5 करोड़ रुपए के करीब चोरी हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध हीरा नंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इन डॉक्टरों पर किडनी चोरी रैकेट में शामिल होने का आरोप है। इन डॉक्टरों में अस्पताल का CEO भी शामिल है। पवई पुलिस थाने में डॉक्टरों के खिलाफ अंग प्रत्यर्पण अधिनियम 1994 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब इतने बड़े किसी अस्पताल में ऐसा कोई मामला सामने आया है। अस्पताल के ट्रस्टी निरंजन हीरानंदानी ने इस घटना को दुखद बताया है और कहा है कि ये मामला उनके लिए चौंकाने वाला है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।